नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे लेट प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें लेट वाले वाक्यों का टेंस प्रैक्टिस कैसे करते हैं आज इसको जानेंगे। तो देखिए आज का पहला टेंस है वह हमें घर में घुसने नहीं देगा। यह जो टेंस है यह फ्यूचर इंडिफिनिट का निगेटिव टेंस है। तो इसमें शैल और विल लगता है, चूँकि इसमें नॉट है इसलिए नॉट भी लगेगा। तो देखिए ही विल नॉट, लेट एक क्रिया आ गई, क्रिया लग गई नॉट के बाद। उसके बाद कर्म अस, हमें के लिए अस लग गया। उसके बाद इंटर द हाउस, मतलब घर में घुसने नहीं देगा, यानी इंटर द हाउस। ही विल नॉट लेट अस इंटर द हाउस। आगे देखते हैं दो नंबर, पापा हमें पेड़ पर चढ़ने नहीं देते। यह जो टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव है, क्योंकि लास्ट में ता है और देखिए यहाँ पर है नहीं दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो भी आप अर्थ निकालेंगे यहाँ पर है आएगा। पापा हमें पेड़ पर चढ़ने नहीं देते हैं, या फिर देते भी कह सकते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट मानते हैं, लेकिन यह निगेटिव है इसलिए इसमें डज और डू का प्रयोग होगा। तो देखिए ये क्या होगा, फादर डज नॉट लेट अस, यानी पापा हमें नहीं देते क्या करना, पेड़ पर चढ़ना, यानी क्लाइम। क्लाइम मन होता है चढ़ना, किस पर, पेड़ पर। तो अपॉन द ट्री, अब यहाँ पर अपॉन क्यों लगा है, ये लगा है पर के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आ गया है पेड़ पर, तो इसके स्थान पे हम लोग अपॉन लगाते हैं। अपॉन कब लगता है, जब कोई व्यक्ति गतिशील अवस्था में, मतलब तो कभी भी आप पेड़ पर चढ़ते हैं तो आप गतिशील अवस्था में रहते हैं, क्योंकि आप चढ़ते रहते हैं यानी कि कार्य करते रहते हैं, इसलिए आप गतिशील अवस्था में रहते हैं, तो यहाँ पर अपॉन लगता है। तीन नंबर है, बच्चे मम्मी पापा को सोने नहीं देते हैं। देंगे, बच्चे मम्मी पापा को सोने नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये फ्यूचर इंडिफिनिट का आ गया है जो कि निगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे लगेगा, यहाँ पर बच्चे करता है और उसके बाद देखिए आगे चिल्ड्रेन विल नॉट लेट, क्रिया हमारा लग गया है लेट। उसके बाद एक आएगा कर्म, कर्म जो है मम्मी पापा यानी मॉम एंड डैड। उसके बाद सोने, सेकंड क्रिया है, स्लिप हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चिल्ड्रेन विल नॉट लेट मॉम एंड डैड स्लिप। यहाँ पर दो क्रिया हो गई, ये है फर्स्ट और यह है सेकेंड। आगे देखते हैं चार नंबर, मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता। कभी भी सकता वाला आता है उसमें हमेशा सहायक क्रिया कैन लगता है, ठीक है, और पास्ट में जाता है तो कुड लगता है, पास्ट में के लिए कुड लगता है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसलिए हम इसमें आई कैन लगाएंगे, आई कैन नॉट लेट यू। उसके बाद लिखने का राइट, किससे लिख रहा है, पेन से, यानी विथ ए पेन। तो विथ ए पेन मतलब विथ क्यों लगाया गया है, किसी वस्तु के साथ रहता है, किसी वस्तु से आप कार्य कर रहे हैं, जैसे पेन से आप लिख रहे हैं तो उसके साथ हमेशा से के लिए विथ लगता है। पेन से लिख रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर विथ लगता है से के लिए, आई कैन नॉट लेट यू राइट विथ ए पेन। पाँच नंबर है, मैं तुम्हें आम तोड़ने दूंगा। तो इसका देखिए ये फ्यूचर इंडिफिनिट में है इसलिए इसमें सेल और विल लगेगा। तो देखिए इसका हो जाएगा आई विल लेट, सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब लगा है, विल के बाद लेट, आई विल लेट यू प्लक, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, प्लक द मैंगोज, मैंगोज लगाइए या फिर मैंगो लगाइए, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि एक आम तोड़ रहा है या फिर ज़्यादा आम तोड़ रहा है, तो यहाँ पर आप मैंगो भी लगा सकते हैं और मैंगोज भी लगा सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि मैं तुम्हें आम तोड़ने दूंगा, पता नहीं कितना तोड़ने देगा कितना नहीं तोड़ने देगा, इसलिए यहाँ पर मैंगोज या मैंगो भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं छः नंबर है, उस लड़के ने मुझे वहाँ खेलने नहीं दिया। यह जो है पास्ट इंडिफिनिट का है जो कि निगेटिव है, तो इसमें हम लोग सहायक क्रिया डिड लगाते हैं,
तो देखिए इसका कर्ता जो है उस लड़के ने, दैट बॉय, उसके बाद साइक्रिया डिड लगेगा, दैट बॉय डिड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब हमारा लेट, लेट मी प्ले देयर, दैट बॉय डिड नॉट लेट मी प्ले देयर, इसका हो जाएगा। 7 नंबर है, इस आदमी ने दीपक को यहाँ बैठने नहीं दिया। यह टेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट का नेगेटिव है, इसलिए इसमें डिड नॉट लगेगा। तो देखिए इसका कर्ता है इस आदमी ने, तो इसका हो जाएगा दिस मैन, उसके बाद सहायक क्रिया लगेगा डिड नॉट, उसके बाद क्रिया मेन वर्ब जो है लेट है, डिड नॉट लेट दीपक सिट हियर, हियर का मतलब यहाँ, तो इसका पूरा है दिस मैन डिड नॉट लेट दीपक सिट हियर। आगे देखते हैं, 8 नंबर है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। यह टेंस जो है फ्यूचर इंडिफिनिट में है, इसलिए इसमें सेल या विल लगेगा। तो अधिकतर टेंसों में अब विल लग रहा है, इसलिए हम भी विल ही लगाए हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा आई विल नॉट लेट यू डू दिस, आई विल नॉट लेट यू डू दिस, लेट यहाँ पर मेन वर्ब और डू यहाँ पर सेकेंड वर्ब, और यू जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट और दिस जो है सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया है, इसलिए आई विल नॉट लेट यू डू दिस। आगे देखते हैं 9 नंबर, वो अक्सर मुझे जाने देता है, वो अक्सर मुझे जाने देता है। अक्सर इसमें नया वर्ड आया है, अक्सर के लिए लगता है ओ एफ टी ई एन ऑफन लगता है, इसलिए इसका देखिए। और यह टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में, क्योंकि लास्ट में ता है ती है आता है, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, और वो भी अफर्मेटिव है जिसमें यस या ई यस लगता है। तो यहाँ पर देखिए वो है जो उसका स्पेलिंग होगा ही, और ही जो होता है एक वचन होता है, तो ही ऑफन वो अक्सर ये साथ साथ लगेगा, ही ऑफन, उसके बाद क्रिया में यस या ई एस लगेगा, तो हम लोग का क्रिया लेट है, लेट क्रिया है मेन, तो इसमें यस या ई एस लगेगा, तो इसमें यस लगा है लेट्स। उसके बाद मी गो, अब गो में यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी परिवर्तन होगा तो वो फर्स्ट क्रिया में होगा, यानी कि मेन वर्ब में होगा, ये हमारा मेन वर्ब है इसी में होगा, ये जस का तस लिखा जाएगा, इसका हो गया ही ऑफन लेट्स मी गो। आगे देखते हैं 10 नंबर, हम कभी कभी उसे खेलने देते थे, हम कभी कभी उसे खेलने देते थे। तो देखिए यह एक पास्ट का टेंस है, तो पास्ट का टेंस में यह कुछ अलग है। देखिए यहाँ पर करते थे, किसी काम को करने देता था, आता था जाता था, ऐसे वाक्यों में हम लोग इसमें सहायक क्रिया लगाते हैं यूज्ड टू, यू एस ई डी, यूज्ड टू लगाते हैं सहायक क्रिया, इसलिए यहाँ पर यूज टू लगाया गया है, सहायक क्रिया के तौर पर यूज टू लगा सकते हैं इसमें। और यहाँ पर आप अगर यूज टू नहीं लगा सकते तो यहाँ पर वुड लगा सकते हैं, डब्ल्यू ओ यू एल डी, ये भी लग सकता है, तो या आप ये लगाइए या फिर डब्ल्यू ओ यू एल डी भी लगा सकते हैं, तो हम तो यूज टू लगाए हैं, आप जो मन तो लगाइए। तो इसका हो गया है वी यूज्ड टू समटाइम्स लेट हिम प्ले। अब यहाँ पर देखिए समटाइम्स जो है इसको आप यहाँ भी लगा सकते हैं या फिर लास्ट में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ये मतलब कि कहीं भी लगा सकते हैं, ये एक अन्य का काम करेगा इसमें। तो देखिए वी यूज्ड टू समटाइम्स लेट हिम प्ले, लेट हमारा मुख्य क्रिया है और फिर ये कर्म, फिर एक क्रिया, और अगर इसे हम यहाँ लगा दें तो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए इसे हम लास्ट में लगाते हैं तो ये कैसे होगा, वी यूज्ड टू लेट हिम प्ले समटाइम्स, यहाँ पर समटाइम्स लग जाएगा अगर उस तरह लगाते हैं तो, नहीं तो ये भी जो है ये सही है, ठीक है।